विपक्षी गठबंधन के दो राउंड की बैठक पटना और बेंगलुरु में हो चुकी है। अब मुंबई में 25 से 26 अगस्त को होने वाली बैठक को कई लिहाज से खास माना जा रहा है। इसमें कई निर्णय होने हैं। सबसे अहम है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महागठबंधन में बिहार के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी 15-15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 8 सीटें और भाकपा माले को 2 सीटें दी जाएंगी। यह बंटवारा जातिगत आधार, पिछले लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। हालांकि इस पर फिलहाल कोई भी नेता औपचारिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अभी 16 सांसद हैं। वे लोकसभा में विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में हैं। ऐसे में किसी भी सूरत में पार्टी अपने सिटिंग सीट से ज्यादा समझौता करना नहीं चाहेगी। जबकि दूसरी तरफ राजद के पास भले अभी एक भी सांसद नहीं हो, लेकिन उनकी जमीनी ताकत बिहार में लगातार बढ़ रही है। विधानसभा में आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से जेडीयू और राजद बराबर बराबर सीटों पर लड़ना चाहेंगी। कांग्रेस पिछले चुनाव में ही महागठबंधन का हिस्सा थी। तब कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र एक सीट किशनगंज जीतने में सफल रही थी। वामपंथी दल भी अपने लिए सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत बेहद कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें केवल एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। कुल 1.4% वोट मिले थे। भाकपा माले के अलावा सीपीआई और सीपीआईएम का जनाधार बिहार में नगण्य है। ऐसे में इस बार केवल भाकपा माले को लोकसभा की 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके लिए कांग्रेस की सीटों में 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआई माले 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि माले सिवान, आरा, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार की दूसरी बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने कहा कि बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई की परंपरागत सीट है, इसलिए इन दोनों पर हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। सीपीएम का कहना है कि सीट पर तैयारी की जा रही है, जिसमें उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज शामिल है। बताया जा रहा है कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अलग राह भी पकड़ सकती हैं, जिसका खामियाजा कई सीटों पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बता दें कि बिहार में सीपीआईएमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस भी बिहार में कुल 10 लोकसभा सीटों पर दावा ठोकने के मूड में है। कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में किशनगंज की सीट पर जीत मिली थी। किशनगंज की सीट से मोहम्मद जावेद सांसद हैं। जावेद ने इस सीट पर जीत ऐसे समय में हासिल की जब तब के विपक्ष की अन्य पार्टियों का सूफड़ा साफ हो गया था। तब लोकसभा चुनाव में राजद ने खाता भी नहीं खोला था। इस आधार पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब 2024 के लिए कांग्रेस की ओर से किशनगंज के अलावा अन्य लोकसभा सीटों पर भी दावा किया जा रहा है। इसमें कटिहार से तारिक अनवर, औरंगाबाद से निखिल कुमार, सासाराम से मीरा कुमार या उनके परिवार के कोई सदस्य, मोतिहारी से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार का नाम लोकसभा में टिकट के लिए आगे चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वाल्मीकि नगर सीट की मांग भी कर सकती है।